देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी द्वारा स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश अपनी स्वच्छ बन सकें। इसी अभियान को लेकर बॉलीवुड द्वारा टॉयलेट एक फिल्म बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार और भूमि पंडेनकर ने सभी को स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित किया। इसी फिल्म से प्रेरणा लेते हुए जालौन के जिला अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वच्छता के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने जनपद के 575 ग्राम विधानों को एक साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म दिखाकर स्वच्छ भारत बनाने के लिए प्रेरित किया। सरकार स्वच्छता के लिए लगातार अभियान चला रही है, साथ ही सभी को घर घर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे खुले में शौच जाने की परंपरा समाप्त हो सके और लोग बीमारी से बच सकें। इस उद्देश्य के साथ जिला अधिकारी नरेंद्र शंकर पांडे ने सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म देखी। फिल्म दिखाने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए प्रधानों को जागरूक करना था। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री पडेनकर ने फिल्म के माध्यम से यह दर्शाया कि घर में शौचालय होने का क्या महत्व है, घर में शौचालय नहीं रहने से किस तरह परेशानियां आती हैं। दोनों ने इसका महत्व बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। फिल्म सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई थी। फिल्म को देख मौजूद प्रधानों ने खूब लुत्फ उठाया और ठहाके भी लगाए, बल्कि उन ठहाकों के पीछे छुपे कारण और महत्व को भी समझा। फिल्म के देखने के बाद थिएटर से बाहर आए ग्राम प्रधानों ने खुद ही शौचालय के महत्व बताया। प्रधानों ने बताया कि फिल्म बहुत अच्छी थी, फिल्म पूरी तरह से स्वच्छता अभियान के प्रेरित करने वाली है। प्रधानों का कहना है कि यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को जोड़ती है, साथ ही लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। ग्राम प्रधान जितेंद्र पांडे और कृष्णपाल का कहना है कि वे लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और सभी ग्राम समाज के लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कहना है कि हमारा कर्तव्य है कि सभी को जागरूक किया जा सके। ग्राम प्रधान ने बताया कि शौचालय बनाने में उन्हें अभी समस्या आ रही है, क्योंकि बालू नहीं आ रही है और बालू लाते हैं तो उन्हें पुलिस परेशान करती है। अपने गाँव में प्रत्येक घर में शौचालय बनाए, क्योंकि बहु बेटियों को बड़ी जो समस्या होती है, बहु बेटियों की समस्या प्रदर्शित की गई है, क्योंकि वो अगर अपने घर में उनके घर में शौचालय हो और ऐसी जगह आ जाएं जहाँ उनके घर में शौचालय ना हो तो उन्हें बड़ी समस्या बड़ी परेशानी पैदा होती है। वो परेशानियां हमें पूरी प्रदर्शित की गई हैं, इनका हम गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे, समझें। यहाँ शौचालय का काम काफ़ी बृहद स्तर पर चल रहा है और लगभग 80% काम हमारे यहाँ हो चुका है, थोड़ा बचा है तो पूरा गांव शौच मुक्त हो जाएगा। कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनके निराकरण के लिए प्रयास किया गया है इसमें भरपूर रूप से, कि जो लोग शंका करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है ये तो समय ही बताता है, जिस समय वो इस कंडीशन को फेस करती हैं। तो इसका उद्देश्य बढ़िया है, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और हम सब जितने भी हमारे साथी हैं प्रधान बंधु, लगभग सभी लोगों का ये प्रयास है कि प्रत्येक घर में जिसके घर में ज़रूरत है वो जो सक्षम है वो बनवाए अपना, और जिसको आवश्यकता है तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं महिला ग्राम प्रधान डिंपल पालीवाल और सीमा तिवारी का कहना है कि लगातार महिलाओं को और उनके परिजनों को जागरूक कर रही है, क्योंकि इसका सामना सबसे ज़्यादा महिलाओं को करना पड़ता है, इसलिए वे लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। खास वजह ये थी कि जो जया ने महिलाओं के लिए किया, अपना दाम्पत्य जीवन त्याग करके एक देश के लिए कुछ किया, महिलाओं को जागरूक किया, तो इसी तरह जब महिला बहनें जागरूक होंगी तभी देश की स्वच्छता सुनिश्चित हो सकती है। और आप गांव में क्या अभियान चलाएंगे? मेरा तो चल ही रहा है, मेरा अभियान चल रहा है, जब से CLTS टीम वहां पहुंची है तो पर डे सुबह मेरे यहां 10-15 लेडीज और कम से कम 5-6 पुरुष जो है ना एक टीम बना करके, और हम भी कभी पहुंच जाते हैं कभी नहीं भी पहुंच पाते समय की वजह से, तो सुबह ये जागरूकता अभियान जो चल रहा है प्रतिदिन रैली निकाली जाती है। यह है कि टॉयलेट सभी के लिए ज़रूरी है, अपना भी हक बनता है कि हम लोग शौचालय बनवाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम सरकार पर डिपेंड रहें। फिल्म देखने के बाद नरेंद्र शंकर पांडे ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से ग्राम प्रधानों को ग्रामीण क्षेत्र शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया गया।
सभी ग्राम पंचायतें ही नहीं बल्कि अन्य गाँव में भी खुले शौच मुक्त होने चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी नहीं होगी, जिससे संक्रमित बीमारियां, डायरिया, फ्लू, डेंगू इत्यादि पर रोक लगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शौचालय होने से महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से अपील किया है कि वे घर घर जाकर ग्रामीण महिलाओं को शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि हर घर में शौचालय का निर्माण हो सके। इस दौरान डीएम नरेंद्र शंकर पांडे ने सिनेमा में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सीधी सीधी अच्छाई है, सफाई है। अगर सफाई रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो जीवन खुशहाल रहेगा। तो इसलिए आप इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए कि इस फिल्म को बनाने वाले का और इस फिल्म को दिखाने वाले का और जो इस फिल्म को देखने वाला है, जो कि आप खुद हैं, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। फिल्म अच्छी है, हमने देखा है, हमें भी पसंद आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि फिल्म पसंद है और वहीं काम खत्म कर दें। हमें फिल्म पसंद आई तो हमने अगला अध्याय उसका जोड़ा कि अपने ग्राम प्रधान भाइयों बहनों को हम इस फिल्म को दिखाएं। अब आपका अगला अध्याय क्या है कि गांव में इसको एग्जीक्यूट कराएं, इसका क्रियान्वयन कराएं। कोशिश ये हो कि गांव का हर आदमी शौचालय बनवावे। स्वच्छ भारत की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है, इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस फिल्म के माध्यम से प्रधानों ने स्वच्छता के बारे में तो बहुत कुछ सीखा ही होगा, लेकिन यह असल ज़िंदगी में कितने लोगों को समझा पाते हैं और कितना जागरूक समाज के लोगों को कर पाते हैं और पीएम मोदी और सीएम योगी के सपनों को साकार कर पाते हैं, यह वक्त आने पर पता चल पाएगा।